गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, ये आपकी EVS की क्लास है और EVS में लेसन फर्स्ट हम स्टार्ट कर चुके थे, इसे ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बेटे जो भी मैं आपको बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनना, वीडियोस को ध्यान से देखा कीजिए और जब काम करते हैं तो उसे बोल बोल के लिखिए कि आप क्या लिख रहे हैं। और पेरेंट्स इस टाइम पर आप भी बच्चों की थोड़ी सी हेल्प कीजिए। तो चलिए अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं और जो भी काम हम कराती हूँ उसकी नीट एंड क्लीन PDF बना के हमें सेंड कीजिएगा, क्योंकि इसी के बेस पर आपकी अटेंडेंस लगती है। तो चलिए हमारा लेसन स्टार्ट होता है। यहाँ क्या है, फेवरेट थिंग्स। अब फेवरेट थिंग्स क्या होती है, पसंदीदा चीज़ें जो हमें पसंद होती है। तो वी आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हम एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं। ईच वन ऑफ अस इज स्पेशल, और हर एक कोई खास है। वी ऑल लाइक टू डू डिफरेंट थिंग्स, हम क्या करते हैं कि हम सारे अलग अलग तरह के काम करते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें करते हैं। सम ऑफ द थिंग्स दैट वी लाइक टू डू, ये क्या है, कुछ चीज़ें हम पसंद करते हैं। जैसे कि हम क्या पसंद करते हैं, प्लेइंग, खेलना सभी बच्चों को पसंद होता है ना, तो खेलने को क्या बोलते हैं, प्लेइंग। उसके बाद क्या है, कलरिंग, यानी पेंटिंग करते हैं तो उसमें हम कलर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कलरिंग। उसके बाद साइकिलिंग, साइकिलिंग करना भी सभी बच्चों को पसंद है, सभी बच्चे करते हैं ना स्पेयर टाइम में, जब उनके पास टाइम खाली टाइम होता है तो टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, साइकिलिंग करके, कलरिंग करके, प्लेइंग, है ना, ये सारा स्पेयर टाइम में आप लोग खेल करना, काम करना पसंद करते हैं। उसके बाद कुछ बच्चों को क्या होता है, स्विमिंग भी पसंद होता है। स्विमिंग क्या होता है, तैराकी, है ना, ये भी कुछ बच्चों को पसंदीदा गेम होगा, है ना। उसके बाद ये क्या है, सिंगिंग, और कुछ बच्चों को क्या है, गाना पसंद होता है। जैसे टीवी में गाने सुनते हो आप, कोई भी सॉन्ग सुनते हो तो उसे गुनगुनाते हो ना, वो हमारा क्या होता है, सिंगिंग होता है, जब हम गाना गाते हैं। और उसके बाद कुछ बच्चों को क्या होगा, डांसिंग, डांस करना भी कुछ बच्चों को पसंद होगा। तो ये हमारे क्या है, ये हमारी वो चीज़ें जो हम अपने स्पेयर टाइम में करना पसंद करते हैं। उसके बाद देखिए, समथिंग दैट वी लाइक टू मोस्ट ऑफ ऑल इज अवर फेवरेट थिंग्स, ये क्या है, इनमें से बहुत सारी चीज़ें ज़्यादातर क्या है, हमारी फेवरेट चीज़ें हैं, है ना, जो हम करना पसंद करते हैं। तो राइट द नेम ऑफ योर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर, यहाँ पे आप अपना फेवरेट कार्टून कैरेक्टर का नाम लिखेंगे। तो जो भी आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर होगा, जैसे किसी बच्चे को मार्शियन बेयर पसंद है, किसी को ऑगी एंड द कॉकरोचेस पसंद है, जो भी आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है यहाँ इसका नाम लिखेंगे। अब इसके आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा मैं क्या पढ़ाने जा रही हूँ आपको। क्या आगे हम पढ़ने वाले आई कार्ड के बारे में। आई कार्ड क्या होता है, अब ध्यान से सुनिए। एवरी स्टूडेंट बियर्स ए स्पेशल कार्ड इन स्कूल, हर स्टूडेंट जो होता है एक खास तरह का कार्ड पहनता है स्कूल में, पहनता है ना, आप लोगों ने पहना है, विच इज़ नोन एज एन आई कार्ड। तो वो क्या होता है, हमारा आई कार्ड होता है, यानी उसको आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं, यानी हमारा पहचान पत्र एक तरीके से होता है, जिसमें हमारे सारे इन्फॉर्मेशन दी होती है। एंड आई कार्ड हेल्प्स टीचर एंड फ्रेंड्स टू नो हु वी आर, और आई कार्ड किसको हेल्प करता है, टीचर को और हमारे फ्रेंड्स को कि हम कौन है, ये बताने में हेल्प करता है। देखिए आई कार्ड पे सबसे पहले अपना नाम लिखा होता है, फादर्स नेम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, क्लास लिखा होता है, सेक्शन लिखा होता है, रोल नंबर लिखा होता है ना, तो आई कार्ड पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो इससे हमारे फ्रेंड्स को और टीचर्स को पता हो जाता है कि हम कौन हैं। द आई कार्ड कंटेन्स आवर नेम, क्लास, स्कूल, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर। तो आई कार्ड पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको मेंशन किया है, उस पर क्लास होता है, नाम होता है, स्कूल का नाम होता है, एड्रेस होता है, टेलीफोन नंबर होता है ना, क्लास होती है, सेक्शन होता है, रोल नंबर होता है, तो ये सारा आई कार्ड पर मैंशन किया होता है। तो इससे क्या पता चल जाता है, हमारे बारे में सारी डिटेल्स उसमें दी हैं, तो टीचर्स को बहुत हेल्प मिल जाती है ना, बच्चों को पता चल जाता है। तो ये हमारे आई कार्ड के बारे में थी। अब यहाँ पे देखिए, एक इन्होंने पिक्चर्स दे रखी है, तो यहाँ पिक्चर क्या है, एक आई कार्ड इन्होंने ड्रॉ कर रखा है। तो आप सब बच्चे कॉपी में ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, कॉपी में ड्रॉ करेंगे, जिन बच्चों के पास बुक है बुक को में, बुक में ही फिल करेंगे। उसके बाद नेम के आगे अपना नाम लिखेंगे, फादर्स नेम के आगे पापा का नाम लिखेंगे, एड्रेस के आगे अपने घर का एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद क्लास लिखेंगे, सेक्शन छोड़ देंगे, ठीक है, और ये बाकी की इन्फॉर्मेशन आप छोड़ दीजिएगा। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ क्वेश्चन नंबर बी है, जो कि एक्सरसाइज का, जो कि मैं आपको बाद में कराने वाली हूँ, सॉरी ए क्वेश्चन नंबर बाद में कराने वाली, क्वेश्चन नंबर बी हम पहले करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया है, देखिए, ड्रॉ और पेस पिक्चर्स इन द फॉलोइंग स्पेस। अब आपको यहाँ करनी है, जो स्पेस दे रखा है यहाँ पे, इन्होंने दे रखा आई लाइक टू ईट, जो आपको चीज़ खाना पसंद है उसकी पिक्चर्स यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, उसका नाम लिखेंगे, माई फेवरेट कलर इज, ठीक है, जो फेवरेट कलर है उसकी पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उसका नाम लिखेंगे, माई फेवरेट ड्रेस, ठीक है, यहाँ पे फेवरेट ड्रेस की पिक्चर होनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, माई फेवरेट टॉयज, यहाँ पे फेवरेट टॉय की पिक्चर होगी, और यहाँ पे माई बेस्ट फ्रेंड इज, उसकी पिक्चर पेस्ट करेंगे और उसके यहाँ पे नाम होगा, या यहाँ पे पिक्चर्स नहीं होगी तो आप नाम ही लिख दीजिएगा, वही काफ़ी है, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर भी इस तरीके से करेंगे, जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में करेंगे, कॉपी में भी इस क्वेश्चन को करना है। और उसके बाद देखिए आगे क्या है, सर्कल द थिंग्स दैट यू लाइक टू डू। अब उस थिंग्स को आप सर्कल करेंगे, उस काम को आप सर्कल करेंगे जो आपको पसंद है। तो प्लेइंग इन वाटर, पानी में खेलना पसंद है, गेटिंग वेट इन रेन या बारिश में भीगना पसंद है, या सिंग अ सॉन्ग या गाना गाना पसंद है, जो चीज़ आपको पसंद है उसको आप सर्कल करने वाले हैं। जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में सर्कल कर देंगे, जिन बच्चों के पास बुक नहीं वो कॉपी में ऐसे एक थिंग बनाएंगे, ऐसे एक काम जो उन्हें करना पसंद है, या तो उसकी पिक्चर्स ड्रॉ कर लें, या उसे पिक्चर्स पेस्ट कर लें, या उसे ड्रॉ कर दें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ए अब हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर एक जो बेटा, ये आपका ओरल क्वेश्चन है, मौखिक क्वेश्चन है, यानी इसको रिटर्न में नहीं है, इसको बस सिर्फ बोलना है मुँह से। सबसे फर्स्ट में पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ पे आप अपना नाम बताएंगे, माई नेम इज़, उसके बाद जो आपका नाम है आप बोलेंगे। इन विच स्कूल डू यू स्टडी, आई स्टडी इन साक पब्लिक स्कूल, आई स्टडी इन साक पब्लिक स्कूल। राइट डाउन द नेम ऑफ योर कंट्री, तो नेम ऑफ माई कंट्री इज इंडिया, नेम ऑफ माई कंट्री इज इंडिया, ठीक है। और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसको छोड़ देंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर थ्री मैंने आपको कराया, एक बार आपको फिर से मेंशन कर रही हूँ, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज, जो भी आपका नाम है आप बोलेंगे। इन विच स्कूल डू यू स्टडी, आई स्टडी इन साक पब्लिक स्कूल। राइट डाउन द नेम ऑफ योर कंट्री, द नेम ऑफ माय कंट्री इज इंडिया। तो ये आपका ओरल क्वेश्चन भी हो गया, तो ये आपका ईवीएस का काम था। ध्यान से नीट एंड क्लीन कॉपी में कीजिएगा, पीडीएफ बना के। बेटे क्वेश्चन नंबर मैंने आपको जो सी कराया उसी में मैंने आपको बोला था ना, जो थिंग्स आपको पसंद है, जो काम कर आपको पसंद है आप उसको सर्कल करेंगे। तो इसे पेंटिंग भी है, रीडिंग भी है, डूइंग होमवर्क भी है, वॉचिंग कार्टून्स भी है, गोइंग टू स्कूल भी है, और ईटिंग फूड भी है। तो जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है, जो काम करना आपको पसंद है, उसको आप सर्कल कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी हमारा, राइट येस और नो इन द बॉक्सेस। तो बॉक्स में क्या करना है, येस और नो फिल करना है। तो देखिए इसमें फर्स्ट में क्या पूछा, आई एम अ गर्ल। अब अगर आप गर्ल हैं तो यस लिखेंगे, अगर बॉय हैं तो नो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आई एम फाइव ईयर्स ओल्ड, तो मोस्टली बच्चे फाइव ईयर्स के होते हैं, सिक्स ईयर्स के होते हैं फर्स्ट में। तो जो भी आपके एज है, फाइव होगी तो आप यस लिखेंगे, अगर फाइव नहीं है तो आप यहाँ पे नो लिखेंगे। आई रीड इन क्लास फर्स्ट, सभी बच्चे क्लास फर्स्ट में, या इसका आंसर यस में आएगा। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, तो बेटे ये तो आपकी सबकी अलग अलग पसंद है कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है ना। तो यहाँ पे अगर जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वहाँ पे, यहाँ पे यस लिखेंगे, जो डॉक्टर नहीं बनना चाहते कुछ और, टीचर, इंजीनियर, लॉयर, जो भी बनना चाहते वो यहाँ पे नो लिखेंगे। एनीबडी कैन बियर एनीबडीज आई कार्ड, कोई भी किसी का आई कार्ड पहन सकता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं, तो यहाँ पे आंसर आएगा नो। अब यहाँ देखिए कलर द फेस दैट शोज हाउ यू फील वेन। अब क्या है यहाँ पे देखिए, बहुत सारे फेसेस दे रखे हैं, उनको जो सही फेस है, जो राइट फेस है, उसको आप क्या करेंगे, कलर करेंगे। जैसे फर्स्ट ने पूछा इट इज़ योर बर्थडे, अगर आपका बर्थडे होगा तो आपका फेस कौन सा होना चाहिए, सैड फेस होना चाहिए, स्माइली फेस होना चाहिए। तो स्माइली फेस होना चाहिए तो आप इसको कलर करेंगे। यू लूज योर बुक, अगर आपसे आपकी बुक हो गई तो सैड फेस होना चाहिए, स्माइली फेस होना चाहिए, तब सैड फेस होना चाहिए, तो सैड फेस को कलर करेंगे। तो ये आपकी एक्टिविटी है। बाय बेटा, हैव अ नाइस डे।